पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके सहयोगी संगठन राज्य में सांप्रदायिक दंगे कराने के उद्देश्य से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जनक सामग्री का वितरण कर रहे हैं। उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार में एक रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ऐसी एक किताब कल मेरी जानकारी में आई है। यह एक निजी किताब है जो कक्षा 2 के छात्रों के लिए है, जिसका आरएसएस वितरण कर रही है। हमने उल्बेरिया में एक स्कूल में इस किताब को प्राप्त किया है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बंगाल सरकार से प्रेरित के तौर पर प्रकाशित इस पुस्तक में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक सामग्री शामिल है, जिसे स्कूल के बच्चों को वितरित किया जा रहा है कि सांप्रदायिक दंगे हो। एसएस वाले खुद ही किताब की छपाई कर बांट रहे हैं। बनर्जी ने कहा है कि ऐसी किताबों को बच्चे के स्कूल बैग में रखा जा रहा है और उनको किताब को घर पर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। वे जानते हैं कि अगर बच्चे इसे स्कूलों में पढ़ते हैं तो वे पकड़े जाएंगे। हावड़ा में एक योग शिविर के आयोजन के सिर्फ 2 दिन बाद ही उनका यह आरोप आया है, ताकि राज्य पुलिस ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।